हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। टुडे वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल थर्ड वीक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, राइट? तो अभी ये न्यूज़, ये स्कीम रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस स्कीम के अंडर में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया। ये रिलैक्सेशन क्या दिया गया उसको समझने से पहले हम ये स्कीम क्या है उसके बारे में समझते हैं, राइट? तो ये स्कीम एक्चुअली लॉन्च की गई थी फ्रेंड्स 1990s के अंदर में। क्यों लॉन्च की गई थी इसको? टू फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। अभी आप कहोगे सर कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स कुछ भी नहीं कि जो भी गुड्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है, राइट? फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर करती है, राइट? कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जो मैन्युफैक्चर हुई हुई जो कार है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट, राइट? तो उसके लेकिन उसको असेंबल करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट? लेकिन वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, तो वो जो भी गुड्स की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं उस सभी गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड्स, राइट? कैपिटल गुड्स। अभी गवर्नमेंट ने 1990s के अंदर के फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बने, इसके लिए गवर्नमेंट ने सभी मैन्युफैक्चरर्स को क्या बोला कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो भी कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करवाना पड़े बाहर से, फॉरेन कंट्री से, तो आप इम्पोर्ट करवा सकते हो। आप मैक्सिमम गुड्स इम्पोर्ट करवा सकते हो, मैक्सिमम कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करवा सकते हो। कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करवाओ लेकिन फाइनल प्रोडक्ट मत इम्पोर्ट करवाओ, राइट? यस। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के अंडर में क्या है, अभी देखो कि अगर आप कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करवाओगे, कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करवाओगे तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा। आपके ऊपर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी, राइट? ठीक है, ओके। अभी गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन रखी कि आपने जितनी भी कस्टम ड्यूटी पे की है कोई भी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करवाने के अंदर, राइट? और अगर फॉर एग्जांपल आपने 2006 के अंदर ये कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करवाया और आपने 2006 के अंदर ये कस्टम ड्यूटी पे की, तो विथ इन 6 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 2012 तक आपको जो कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट करवाया उस कैपिटल गुड्स से जो आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया उसका एक्सपोर्ट आपको करना है। और कितना एक्सपोर्ट करना है? जितनी भी रकम का आपने कस्टम ड्यूटी पे किया है वो रकम से 6 टाइम ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आपने कस्टम ड्यूटी 10 करोड़ पे की है तो 60 करोड़ का आपको एक्सपोर्ट करवाना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करवाएंगे तो इंडिया की इनकम होगी, राइट? तो गवर्नमेंट ने ये एक्सपोर्ट को भी इंकरेज करने के लिए, और अगर आप इंपोर्ट करवाते हो तो आप जितनी भी कस्टम ड्यूटी पे करते हो उसका 6 टाइम्स आपको विथ इन 6 ईयर्स ऑफ जब भी आपने कैपिटल गुड इंपोर्ट करवाया है वहाँ से 6 साल के अंदर में आपको ये एक्सपोर्ट करना है। कितना? 6 टाइम्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी। अगर आप 6 टाइम्स का कस्टम ड्यूटी जितना एक्सपोर्ट करवा लेते हो 6 साल के अंदर में, तो आपने जितनी भी कस्टम ड्यूटी पे की है जो इंपोर्ट करवाया था ना आपने 2006 के अंदर, वो सभी कस्टम ड्यूटी आपकी माफ़ हो जाएगी, राइट? तो ये स्कीम है एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना कैपिटल गुड स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, जो 1990s के अंदर में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर में क्यों है कि गवर्नमेंट ने अभी तक उसके अंदर रिलैक्सेशन कितना दिया था कि अगर आप 6 साल के अंदर नहीं कर पाए ना तो आपको और 90 डेज का टाइम मिलेगा, मतलब 3 महीने का और टाइम मिलेगा कि आप 6 टाइम्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट कर पाओ। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और उसके अंदर टाइम बढ़ा दिया है कि आप अभी 6 मंथ, 6 साल के ऊपर 6 मंथ तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 6.5 साल तक आप को अभी 6 टाइम्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी जितना एक्सपोर्ट करना है, राइट? तो रिसेंट न्यूज़ इतनी ही थी कि जो 90 डेज का पहले रिलैक्सेशन मिलता था अभी 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलेगा इन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। लेकिन ये स्कीम के बारे में आपको जानना जरूरी था, राइट? आपको समझ में आया होगा, ओके? चलो ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलैक्सेशन दिया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स इन फैसिलिट द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस राइट। फिर व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या है कि जो बिल्डिंग्स मशीनरी इक्विपमेंट व्हीकल्स टूल्स जो भी चीज़ फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होती है वो कैपिटल गुड्स होते हैं राइट। तो जो भी चीज़ फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होती है वो कैपिटल गुड्स होते हैं। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1990s के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा राइट, और टू फैसिलिट द इम्पोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स ठीक है। एंड अंडर द स्कीम मैन्युफैक्चरर्स कैन इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स फॉर द प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विदाउट अट्रैक्टिंग एनी कस्टम ड्यूटी। मैंने क्या बोला कि अगर आप 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट कर लोगे 6 टाइम्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी, 6 टाइम्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी जितना एक्सपोर्ट कर लोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी वापस मिल जाएगी राइट। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जो जिससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा क्योंकि लोगों को कस्टम ड्यूटी अपनी वापस लेनी होती है, और आप इम्पोर्ट भी करवा सकते हो लेकिन रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स फिनिश प्रोडक्ट नहीं राइट ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन एक कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी सूरत के अंदर 2022 के अंदर राइट, अभी अप्रैल मिड के अंदर ही हुआ था स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस राइट। ओके कहाँ पे? सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर राइट। ओके तो अभी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर वहाँ पे हुआ था, सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सूरत गुजरात के अंदर। ये एक स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन एक कॉन्फ्रेंस हुआ था राइट। उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, वो चीफ गेस्ट थे राइट। और ये कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक ये पूरा एक साल का एक पूरा इवेंट है उसी के पार्ट के रूप में स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था सूरत के अंदर। और अगर मैं इस थीम इवेंट के हाइलाइट्स की बात करूँ तो ये 5 थीम के ऊपर ये पूरी इवेंट थी कि री इमेजिनिंग द पब्लिक स्पेसिस, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़, इनोवेशन एंड स्मार्ट फाइनेंस। ये 5 टॉपिक जो मेन फोकस थे पूरे इवेंट के। री इमेजिनिंग द पब्लिक स्पेसिस मतलब पब्लिक स्पेसिस को री इमेजिनिंग करना, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स कि जो पहले के ज़माने में कैसे ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर सब एक जगह पे इकट्ठा होकर सबकी बातें सुना करते थे पूरे गांव के लोग राइट, तो उसी तरह कि सिटीज़ के अंदर भी लोकल एरिया के अंदर भी जो लोकल एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने एरिया के सिटीजन्स के साथ कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ लोकेशन को एक लोकेशन सेट करके वहाँ पे उनके साथ बातें करें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या इनोवेशन चाहिए राइट। तो ये रीइमेजिनिंग द पब्लिक स्पेसेस मतलब जो पहले जो होता था उसको फिर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। फिर डिजिटल गवर्नेंस हो सके उतना गवर्नेंस पेपरलेस होना चाहिए। फिर क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ क्लाइमेट एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इनोवेशन एंड स्मार्ट फाइनेंस राइट, ये 5 टॉपिक जो एक पूरे कॉन्फ्रेंस के मेन थीम थे। आपको याद रखना है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन के नीचे में से कौन सी थीम नहीं है, तो ये 5 थीम में से कोई भी एक थीम नहीं होगी और मतलब कुछ दूसरी थीम होगी उसकी जगह, और आपको आइडेंटिफाई करनी है राइट। ओके ओके और उसके अलावा उसके अंदर कुछ पेवेलियंस भी बनाए गए थे। कुछ पेवेलियंस मतलब कि जो 5 थीम रखी गई है डिजिटल गवर्नेंस पेवेलियन, इनोवेशन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज पेवेलियन, स्मार्ट फाइनेंस पेवेलियन, रीमेजिंग द पब्लिक स्पेसेस पेवेलियन। यहाँ पे पेवेलियन के अंदर क्या होता है कि मतलब हर एक काम हर एक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राइट, और उनकी जो टीम होती है वो फिर अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि हम कैसे किस तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे वगैरह वगैरह, मतलब पूरा एक रोडमेप बनाया जाता है राइट। तो आपको जस्ट एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से है कि पूरे जो 5 थीम रखी गई थी पूरे इवेंट की उसके ऊपर 5 पेवेलियन बनाए गए, 5 टीम बनाई गई उसके ऊपर काम करने के लिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उद्घाटन किया गया अमारो पाड़ोस। अमारो पाड़ोस एक प्लेस है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में ये बनाया गया है, और स्मार्ट सिटीज मिशन एंड सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये एक लाइफ साइज नेबरहुड ऑफ 33,000 स्क्वायर फीट 30,000 स्क्वायर फीट का एक प्लेस बनाया गया है। कहाँ पे? कि जो जहाँ पे ये जो इवेंट हुआ था सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर उसी के पास में 30,000 स्क्वायर फीट का एक प्लेस बनाया गया है जिसका नाम है अमारो पाड़ोस। और उसके अंदर में सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी,
पार्क, आंगनवाड़ी, पब्लिक हेल्थ सेंटर, म्यूनसिपल स्कूल, बस स्टॉप विथ अ साइकिल स्टैंड, फूड प्लाजा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एंड द हैंडलूम शॉप, ये सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी एक ही जगह पे। तो एक प्लेस हमारो पाड़ोस करके एक प्लेस का उद्घाटन किया गया ड्यूरिंग दिस इवेंट, जो जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी जगह पे, राइट। और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, राइट। और ये दिस वॉज बिल्ट बाय द प्रोफेशनल विद द एक्सपर्टाइज इन द अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, लैंडस्केप डिज़ाइन, ट्रैफिक स्टडीज एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया गया एक पूरा प्लेस है, राइट, कि जहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को चाहिए वो एक ही जगह पे मिल जाएगी, राइट। तो ये अमारो पाड़ोस ये कहाँ पे है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका उद्घाटन किसने किया, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि इसी इवेंट के दौरान इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स भी दिए गए, जो पहले से डिसाइडेड था कि किसको दिया जाने वाला है। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड सूरत और इंदौर को दिया गया, और स्टेट के अंदर में उत्तर प्रदेश को दिया गया, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है चंडीगढ़ को, राइट। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन सी स्मार्ट सिटीज़ को दिया गया है? सूरत और इंदौर। कौन से स्टेट को दिया गया? उत्तर प्रदेश। और कौन सी यूनियन टेरिटरी को दिया गया? चंडीगढ़। ये 2020 के अवार्ड्स हैं जो अभी दिए गए हैं, राइट। ओके, द विनर्स वेयर अनाउंस, ये विनर्स का नाम कब अनाउंस किया गया था? 2021 के अंदर, जब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ड्यूरिंग द 6th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। जब 2021 के अंदर 6 साल कंप्लीट हुए थे स्मार्ट सिटी मिशन के, फिर अमृत का फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आया है, अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीन स्कीम जो एक साथ लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2015 के अंदर, राइट। तब उसकी जो 6th एनिवर्सरी थी, राइट, तब उसी मौके के ऊपर जब एक ऑनलाइन इवेंट क्रिएट किया गया था, तब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया था कि सूरत एंड इंदौर को स्मार्ट सिटीज़ का अवार्ड मिलेगा, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट का अवार्ड मिलेगा, और चंडीगढ़ को स्मार्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिलेगा। लेकिन ये अवार्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट मिला, राइट। ओके, और स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन वो 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा, एंड टोटल 100 स्मार्ट सिटीज़ को हमको बनाना है, राइट। और उसके पीछे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? अभी 2 लाख करोड़ के आसपास, 2 लाख करोड़ के आसपास। और अभी टोटल 93,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को तो हमने इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया है, राइट। तो हाँ, तो आई थिंक आपको ये पूरी स्कीम के अंदर में समझ में आया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में ही ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था सूरत के अंदर, अमारो पाड़ोस करके एक प्लेस को इनॉग्रेशन किया गया है, चीफ गेस्ट कौन थे और कौन से 5 थीम्स के ऊपर ये पूरी इवेंट थी, किसको कौन सा अवॉर्ड मिला, और यस, स्मार्ट सिटी मिशन अमृत का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना वो कब उसको लॉन्च किया गया था, और एक उसके जो 6th एनिवर्सरी थी तब ये अवार्ड्स के अनाउंसमेंट किए गए थे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। कि हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये जो एक स्कीम है जो 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी, उसको फर्दर 180 डेज के लिए एक्सटेंड किया गया है। और कब से एक्सटेंड किया गया है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 19 अप्रैल 2022 से, 19 अप्रैल 2022 से 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर में। अभी इस स्कीम के अंदर में जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करती है, और पेशेंट्स को ट्रीट करते करते अगर उनकी जान चली जाती है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द कोविड-19, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे 50 लाख का एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा, 50 लाख रुपये मिलेगा इन शॉर्ट, राइट। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसको अभी एक्सटेंड किया गया, इसलिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर में है। और कौन से हेल्थ केयर वर्कर्स को ये बेनिफिट मिलेगा? तो ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को, कि प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ वाले, रिटायर्ड भी हो, वॉलेंटियर भी हो, लोकल अर्बन बॉडीज से काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते हो, डेली वेज के ऊपर काम करते हो, एडहॉक आउटसोर्स स्टाफ भी हो, राइट, एंड सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो, ऑटोनोमस हॉस्पिटल के अंदर में काम करते हो, ये जो सभी कोई भी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो, ऐसे सभी हेल्थ वर्कर्स को अगर कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करते करते इन्फेक्शन लग गया और उनकी जान चली गई, फिर 50 लाख का उनको जो सहायता है उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा इस पैकेज के अंदर में, तो उसको अभी 180 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया गया है।
ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा INS वक्शीर को लॉन्च किया गया है, और ये INS वक्शीर एक्चुअली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। और कौन से नंबर की स्कॉर्पियन का सबमरीन है? 6th नंबर की। और वो कौन से प्रोजेक्ट में के अंडर में उसको बनाया गया है? प्रोजेक्ट 75 के अंडर में उसको बनाया गया है। तो अभी INS वक्शीर को इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये INS वक्शीर वो एक तो स्कॉर्पियन क्लास की भी सबमरीन है, और उसको एक कलवारी क्लास की सबमरीन भी बोला जाता है। अभी फ्रेंड्स दो टाइप की सबमरीन्स होती हैं, एक तो अटैकिंग सबमरीन्स और एक तो जो डिफेंड करे, राइट। एक तो अटैकिंग सबमरीन्स और एक डिफेंडिंग सबमरीन्स होती है, दो टाइप की होती है। तो ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती है ना, वो अटैकिंग सबमरीन होती है, जो अटैक के लिए यूज़ किया जाता है उसको, राइट। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, राइट। उस प्रोजेक्ट 75 के अंडर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो लोग 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाएंगे। ये 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की बात करें तो उसमें से पहली सबमरीन है INS कलवरी। अभी ये स्कॉर्पियन क्लास की पहली सबमरीन है INS कलवरी, इसके लिए ये स्कॉर्पियन क्लास की सभी सबमरीन्स को कलवरी क्लास की सबमरीन भी बोला जाता है, राइट। क्योंकि उसके पहले सबमरीन का नाम क्या था? INS कलवरी। सेकेंड नंबर INS खंडेरी, थर्ड नंबर INS करंज, फोर्थ नंबर INS बेला, फिफ्थ नंबर INS वजीर, और सिक्स नंबर INS वक्शीर। एग्ज़ाम में बहुत बार ये स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन के बारे में क्वेश्चन आया है, और इस बार तो रिसेंट न्यूज़ के अंदर में भी है। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि स्कॉर्पियन क्लास की थर्ड नंबर की सबमरीन का नाम क्या है, फोर्थ नंबर की सबमरीन का नाम क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फॉर द इंडियन नेवी। तो उसी के अंडर में 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को बनाने की बात की गई थी 2017 के अंदर में, राइट। और अभी ये 6 सबमरीन्स यहाँ पे लॉन्च की गई है, और सबसे लास्ट है INS वक्शीर, राइट। एंड INS कलवारी वॉज द फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कमीशन की गई थी इंडियन नेवी के अंदर में 2017 के अंदर, राइट। और इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? आर हरि कुमार। और अभी इंडियन नेवी नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट रॉयल इंडियन नेवी डे 21 अक्टूबर 1944 को सेलिब्रेट किया गया था, राइट। और वक्शीर के बारे में बात करें तो वक्शीर इस नाम की पहले भी सबमरीन थी इंडिया के पास, जो 1974 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी, और उसको फिर डीकमीशन किया गया 1997 के अंदर में, राइट। तो ये वक्शीर नाम की दूसरी सबमरीन इंडिया लॉन्च कर रही है, राइट। तो पहली सबमरीन के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह इज नेम इन द विस्डेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एक बुक का नाम है, एक मैगजीन का नाम है, कि जो अल्मानिक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन 1864 से ये मैगजीन लॉन्च करती है, 1864 से, राइट। अल्मानिक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन 1864 से वेस्टर्न क्रिकेटर्स नाम की एक बुक लॉन्च करती है, जिसको बाइबल ऑफ द क्रिकेट भी बोला जाता है, जिसको बाइबल ऑफ द क्रिकेट भी बोला जाता है, राइट। ठीक है, ओके। अभी ये बुक के अंदर इंडिया के दो क्रिकेटर, वैसे टोटल 5 क्रिकेटर का नाम आया है विस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के अंदर में, और इसमें इंडिया के दो क्रिकेटर रोहित शर्मा जो इंडियन कैप्टन है, और जसप्रीत बुमराह, राइट। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के कौन से दो क्रिकेटर का नाम आया है अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है अल्मानिक नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की लिस्ट के अंदर, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन। और उसके अलावा और 3 लोग कौन हैं? तो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं डेवन कॉनवे, इंग्लैंड के जो बॉलर है ओली रॉबिन्सन, एंड साउथ अफ्रीकन की जो वुमेन स्टार हैं डेनी वैन निकर्क, राइट। डेनी वैन निकर्क ये साउथ अफ्रीका के वुमेन प्लेयर है, एकमात्र वुमेन प्लेयर की जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, जो इस साल वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिस्ट के अंदर आई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट, ओके। उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, उनको एक अवार्ड दिया गया लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड।
लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड के तौर के ऊपर उनको इस बुक के अंदर शामिल किया गया है। और उसके अलावा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो जो रूट जो इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं उनको लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2022 2021-22 के सीजन के लिए, और वुमेन के अंदर बात करें तो लीजल ली जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है उनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के तौर के ऊपर इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। राइट, तो यस पांच विस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड और लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये पांच चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली अपेडा और NRDC ने एक MOU साइन किया है टू बूस्ट द एक्सपोर्ट वैल्यू चेन इन द एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट वैल्यू चेन इन द एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए अभी रिसेंटली अपेडा और NRDC ने एक MOU साइन किया है। सबसे पहले तो हम बात करें ये दो ऑर्गेनाइजेशन की, अपेडा और NRDC। तो सबसे पहले NRDC के नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1953 के अंडर में, एज एन एंटरप्राइज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंडर में काम करती है। और वो डिपार्टमेंट किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। सेकेंड, ये संस्था को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था टू प्रमोट डेवलप एंड कॉमर्शलाइज द टेक्नोलॉजीज नो हाउ इन्वेंशंस पैटर्न्स एंड प्रोसेसिस विच इज इमिनेटिंग फ्रॉम द वेरियस नेशनल R&D इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़। कि जो भी पैटर्न्स जो भी इन्वेंशन जो होते हैं उसको कॉमर्शलाइज करने के लिए उस पर्पज़ के लिए ये संस्था को बनाया गया था 1953 के अंदर में। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में। जो डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। राइट, तो जो भी पैटर्न जो भी इनोवेशन जो भी कोई नई चीज़ कोई बनाता है उसको कॉमर्शलाइज करने के लिए उस पर्पज़ के लिए ये संस्था को बनाया गया था 1953 के अंडर में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। राइट, और उसके MD है अमित रस्तोगी। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें उस संस्था के बारे में बात करनी है। ओके, अभी हम जो दूसरी संस्था है ये MOU के पीछे उसके बारे में बात करें, अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है और जो प्रोसेस की हुई जो फूड प्रोडक्ट्स होती है उसको एक्सपोर्ट करने की उसको डेवलप करने की अथॉरिटी, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल चीज़ जो एक्सपोर्ट होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? इस संस्था के द्वारा, अपेडा के द्वारा। राइट, और वो अपेडा एक्ट के अंदर में उसको रेगुलेट किया जाता है। राइट, ओके, और ये जो अपेडा ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है वो कौन सी पॉलिसी के अंडर में करती है? एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के अंडर में। राइट, और अपेडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, और उसके चेयरमैन कौन है? अंगामुथू। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर M अंगामुथू। बहुत IMP क्वेश्चन है। राइट, तो ये जो दो संस्था के, एक संस्था है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के अंदर माहिर अपेडा, और एक संस्था है कि इन्वेंशन टेक्नोलॉजीज़ को कॉमर्शलाइज करने में माहिर। राइट, तो इन दोनों ने MOU क्यों साइन किया? ये दोनों संस्था ऐसा चाहती है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर के अंदर में उसकी वैल्यू को बढ़ाए। अभी उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाए? तो ये दो तरीके से, कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करें और हम एग्रीकल्चर को ऐसे प्रोड्यूस करें कि जीरो कार्बन एमिशन फार्मिंग से प्रोड्यूस करें। तो ये अगर दो मेथड से हम एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है उसको कॉमर्शलाइज करने का काम कौन करेगा? NRDC। और फिर ऐसे एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने का काम कौन करेगा? अपेडा। इसलिए इन दोनों संस्था ने MOU साइन किया है। राइट, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा कि किसने किसके साथ MOU साइन किया है, क्यों से MOU साइन किया है, और दो संस्था जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया कि पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2011 से लेकर 2019 तक का एक पूरा सिनारियो। और उनके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो कितनी रिड्यूस हुई है? 12.3% फ्रॉम 2011 से लेकर 2019 तक। राइट, और पॉवर्टी
2011 से 2004 से 2011 तक के पीरियड के अंदर कितनी रिड्यूस हुई थी? 2.5%। और पॉवर्टी डाउन बाय पर ईयर, हम बात करें पर ईयर की बात करें 2011 से लेकर 2019 के बीच में कितनी पर ईयर डाउन हुई है? 1.3%, राइट। और रूरल पॉवर्टी कितनी ड्रॉप हुई है? 14.7%। और अर्बन पॉवर्टी कितनी ड्रॉप हुई है? 7.9%। ये पूरा पिक्चर आपको, ये जो परसेंटेज वाला है ना, वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है कि ओवरऑल पॉवर्टी कितनी डाउन हुई, रूरल पॉवर्टी कितनी डाउन हुई और अर्बन पॉवर्टी कितनी डाउन हुई, ये सेम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। जो 2004 और 11 के बीच में कितनी पॉवर्टी डाउन हुई थी वो भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया था? पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2011 से 2019 इन नट सेल, वो रिपोर्ट का नाम है। और ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था के द्वारा, राइट। इस रिपोर्ट के अंदर हम डिटेल की बात करें कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एक्चुअली, और उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी डिक्लाइन तो हुई है 12.3% इन लास्ट डिकेंड, बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, कि जो पहले जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग इतनी डाउन नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, और एक्सट्रीम पॉवर्टी किसको बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अगर कोई हाउस होल्ड की इनकम $1.90 पर पर्सन पर डे से कम है तो वो हाउस होल्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में जी रहा है, वो ऐसा माना जाएगा, राइट। ओके, तो यस, अभी ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ओवरऑल कितना रिड्यूस हुई है एक्सट्रीम पॉवर्टी, 12.3%, 12.3%। और अगर हम रूरल पॉवर्टी की बात करें तो रूरल पॉवर्टी जो 2011 के अंदर 26.3% थी, जो अभी 2019 के अंदर कितनी हो गई है? 11.6%। और अर्बन पॉवर्टी की बात करें कि जो 2011 के अंदर 14.2% थी, वो अभी 6.3% हो गई है। तो ओवरऑल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी कितनी ड्रॉप हुई है? 14.7% एंड 7.9% कम हो गई है 2011 से लेकर 2019 तक, राइट। उसका अर्बन पॉवर्टी क्यों राइज हुई है? एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था उसके एक मेन रीज़न है कि जो अर्बन पॉवर्टी राइज हुई है, राइट। और स्मॉल फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी है, स्मॉल फार्मर्स की, जिसके छोटे छोटे लैंड होती है, राइट। तो स्मॉल फार्मर्स की इनकम कंपेयर टू द जो जिसके पास लार्जर लैंड है, राइट, जो जिनकी इनकम ज़्यादा है, तो स्मॉल फार्मर्स की इनकम के अंदर ग्रोथ ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू द लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग वाले जो फार्मर्स हैं उनके कंपेरिजन में, राइट। और इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक संस्था है कि जो पॉवर्टी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसने लास्ट टाइम ये इन्वेस्टिगेशन कब किया गया था? 2011 के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ऑन द पॉवर्टी कब किया गया था? 2011 के द्वारा, 2011 के अंदर। तो उसके बाद कोई पॉवर्टी का डेटा इंडिया के पास है नहीं, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट लॉन्च किया, जो बहुत ही यूज़फुल प्रूफ होगा बहुत सारी संस्था के लिए, बैंक्स के लिए भी यूज़फुल प्रूफ होगा उनको आगे फर्दर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, कौन से सेक्टर में कैसे कहाँ पे, राइट। तो यस, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1944 के अंदर में जब उसको एस्टैब्लिश किया गया, तब उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी ये जो उसका नाम था वो अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, राइट। और उसके साथ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को भी ऑर्गेनाइज किया गया था 1944 के अंदर में, राइट। वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल 189 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया भी उसका पार्ट है। और जो मेजर रिपोर्ट्स के जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल लॉन्च किया जाता है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अभी रिसेंटली स्टॉप किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो मेजर रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं, राइट। और ये जो पाँच संस्था वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में काम करती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जितने भी रोड के लिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा चाहिए, तो वो वर्ल्ड बैंक का ये
आम उसको पैसा देगा। आपको तो ऐसा ही बोला जाएगा कि वर्ल्ड बैंक, आपको ऐसा ही पता है कि वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, लेकिन इस संस्था के द्वारा उसको लोन दिया जाता है, राइट, उसके ग्रुप में से। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अगर कोई लिस्ट डेवलप कंट्री है, अगर कोई पुअर कंट्री है, उसके अंदर कोई डिजास्टर, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, तो उसको उसके कंपेंसेशन के लिए पैसा चाहिए, तब लोन के तौर के ऊपर पैसा नहीं दिया जाता, राइट, तब ग्रांट के तौर के ऊपर पैसा दिया जाता है, तब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए पैसा दिया जाता है, राइट। तो उस पर्पज़ के लिए जो कम, या तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, या तो फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए जो आगे बढ़ता है वर्ल्ड बैंक का आम, वो आम का नाम क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, राइट। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, कि जो भी कोई कंपनी को अगर कोई फर्दर एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, उसके द्वारा उसको लोन दिया जाएगा। और ये मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, यूएस है एक डेवलप कंट्री, राइट, यूएस है एक डेवलप कंट्री, और उसको एक लोन देना है जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया को, कोई भी एक पर्पज़ के लिए, राइट। तो यहाँ पे बीच में गारंटी कौन प्रोवाइड करती है, ये संस्था, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये संस्था गारंटी प्रोवाइड करती है कि वो यूएस को गारंटी प्रोवाइड करेगी कि आप यूएस, आप इंडिया को पैसा दो, क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पैसा रीपेमेंट कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं आपको पैसा दूंगा, राइट। तो ये एक मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी के तौर के ऊपर काम करती है ये संस्था, राइट। और एक संस्था है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, कि अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर में कुछ डिस्प्यूट आया तो उसको सेटल करने के लिए भी एक संस्था बनाई गई है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के अंदर में, राइट। तो लेकिन ये जो संस्था है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो उसके अंडर में इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। आपको आई थिंक ये पूरा रिपोर्ट के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में पता चल गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ओके, क्या हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सिस्टम, FOPL सिस्टम। अभी ये सिस्टम एक्चुअली रिसेंट न्यूज़ के अंदर में क्यों है, उसको समझने से पहले कि जो हमारी इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी रेगुलेटर है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 2022 के अंदर में एक हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च की। अभी ये हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है, हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम के अंदर सभी पैकेज फूड प्रोडक्ट को 1/2 स्टार से लेके 5 स्टार तक के रेटिंग दिए जाते हैं। अभी ये रेटिंग कौन से बेस के ऊपर दिए जाते हैं, तो उसके अंदर कितना सॉल्ट है, उसके अंदर कितना शुगर है, और उसके अंदर कितना फैट कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग सभी पैकेज फूड प्रोडक्ट को ये रेटिंग दिए जाते हैं। ये रेटिंग देने का मेन पर्पस ये है कि अगर रेटिंग कम है तो मतलब वो बॉडी के लिए हानिकारक है, तो कंज्यूमर शायद उसको कम कंज्यूम करे या तो फिर ना करे, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज़ यही है कि आप जो भी अपने बॉडी के लिए हानिकारक है वो आप कंज्यूम मत करो, राइट। लेकिन WHO ने अभी एक कंसर्न दिखाया कि आपने जो और उसने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला कि आपने जो ये हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किए ना अपने अंडर में, अपने इंडिया के अंदर, वो एक्चुअली एविडेंस प्रूफ नहीं है। कि बहुत सारे डिशीज़ के अंदर में आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर सॉल्ट चाहिए, बहुत सारे डिशीज़ के अंदर में आपको शुगर भी थोड़ी बहुत चाहिए, और बहुत सारी डिशीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा फैट कंटेंट भी चाहिए, राइट। तो मतलब ये सभी यूनिवर्सल डिशीज़ के लिए ये जो आपका जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है वो हर एक कंज्यूमर के लिए काम में नहीं आएगा, राइट। तो उससे अच्छा तो जो डेवलप कंट्रीज, जो बाकी डेवलप कंट्रीज जो फॉलो करती है ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम FOPL, वो एक एविडेंस प्रूफ सिस्टम है कि उसके अंदर में, फॉर एग्जांपल ये इंडिया के अंदर भी ये सिस्टम लॉन्च किया गया था, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम 2019 के अंदर में, और 2019 के अंदर ही उसको कैंसिल किया गया। और ये सिस्टम के अंदर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम सिगरेट के पैकेट की बात करें, कि आप सिगरेट का जो पैकेट लोगे ना, राइट, कि उसके ऊपर एक लेबल भी लगाया होता है, एक इमेज होती है कि जहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस, कि सिगरेट से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो गए, उसका एक इमेज के फॉर्म में उसको दिखाया गया होता है। आप फिर भी कंज्यूम करते हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक जो एक पैकेज फूड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सिगरेट, राइट, उसके ऊपर इमेज के फॉर्म में आपको उसके डिसएडवांटेजेस
लिखे गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो कंज्यूमर के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। FOPL सिस्टम वही है कि आप जो डिसएडवांटेजेस है प्रोडक्ट के उसको हाईलाइट कीजिए, उसको लेबलिंग कीजिए, उसके इमेजेस और पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर होने चाहिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो सिस्टम। यहाँ अभी अभी क्या हो रहा है कि ये तो पैकेज प्रोडक्ट के अंदर हो गई कि कितना सॉल्ट कंटेंट है, कितना फैट कंटेंट है, लेकिन वो बहुत ही एकदम माइनर, अगर वो ज़्यादा फैट कंटेंट वाला प्रोडक्ट होगा तो एकदम माइनर छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होगा, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े बहुत होंगे उसको ज़्यादा बड़े फॉन्ट के अंदर लिखे होंगे, और जो डिसएडवांटेज है वो तो लिखे ही नहीं होंगे, राइट। तो WHO बोल रहा है कि आप उसके डिसएडवांटेज को रिप्रेजेंट कीजिए, तब कंज्यूमर उसको कम करने की कोशिश करेगा, राइट। तो जस्ट WHO का एक कंसर्न है कि आपने जो एक सिस्टम लॉन्च किया हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, राइट। और उसके जगह आप कौन सा सिस्टम को यूज़ कीजिए जो बाकी डेवलप कंट्रीज यूज़ कर रही है, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सिस्टम को आप यूज़ कीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया दोनों सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके। और दूसरी बात करें कि मैंने जो जैसे आपको बात किया कि कंसर्न्स क्या है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए, कि मास्किंग ऑफ द पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स। देखो यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स दिखाने के लिए जो नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स है वो उसका आप मास्किंग कर लोगे, राइट। देन टारगेटेड ऑडियंस को आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि द लेबलिंग फॉर्मेट अपीयर्स टू बी एम ओनली एट द इंडिविजुअल्स हु आर लिटरेट एंड न्यूट्रिलिटी अवेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि आपने पूरा टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, तो कि जो लिटरेट होगा वही उसको पढ़ेगा ना, जो इलिटरेट होगा वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसकी जगह पे अगर आपने कोई इमेज रखी होगी उसके डिसएडवांटेजेस की, राइट, तो वो जल्दी से मतलब जो इलिटरेट पीपल होगा वो भी अच्छे से पढ़ पाएगा, राइट। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है, राइट। एंड HS सिस्टम कैन ऑल्सो लीड टू अ हेल्थ हालो, उसका मतलब वो कन्फ्यूज भी कर सकता है कंज्यूमर्स को, राइट, कि विच कैन बी कन्फ्यूज कस्टमर्स एज अ स्टार्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एंडोर्समेंट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड ओके, रिसेंट न्यूज़ के अंदर इसलिए थी कि WHO ने अभी एक कंसर्न देखा है कि आपकी जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा कारगर नहीं है, उसकी जगह पे आप ये जो बाकी FOPL सिस्टम को यूज़ कीजिए जो बाकी कंट्रीज के अंदर भी यूज़ किया जाता है, ओके ओके ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में जितने भी 100 सिटीज़ को डेवलप किया जाने वाला है वो सभी 100 सिटीज़ के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, राइट। और ये कौन से मिशन के अंदर में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, उसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल लूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिटी के अंदर हर एक जो जगह पे जहाँ पे पब्लिक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल पम्प, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मतलब कुछ कुछ किराने की दुकान, राइट, कि जहाँ पे फ्रीक्वेंटली पब्लिक आती जाती रहती है, तो ऐसे ऐसे जगह पे पुश बटन। अभी ये बटन कैसे काम में आएगा, अगर कोई वुमेन है, अगर कोई वो तकलीफ़ में है, कोई भी उसके पास मिसबिहेव हो रहा है, तो वो अपने आसपास अगर कोई भी पुश बटन होगा तो वो अप्लाई कर सकती है, उसको पुश कर सकती है। जैसे ही वो पुश बटन को पुश करेगी, सीधा डेटा उसके लोकेशन का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। तब जहाँ जो इस सेंटर के अंदर में काम करेगा उस पर्सन को पता चल जाएगा कि कौन से एरिया के अंदर ये क्या हो रहा है, राइट। तो तुरंत रिस्पॉन्सिव एक्शन होगा, राइट। तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एक्शंस के जो सेंट्रलाइज मॉनिटर किए जा सकते हैं, वो कहाँ से मॉनिटर होंगे, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से अनाउंसमेंट किया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में जितने भी 100 सिटीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं उसमें सभी में ये सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा, राइट, ओके। और ये सभी सेंटर्स को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के साथ भी लिंक किया जाएगा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम जो गुनहगारों को पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी ये सेंटर्स को यूज़ किया जाएगा कि वो भी डेटा एक सेंट्रलाइज तरीके से हैंडल किया जाए, राइट। और ये सभी हो रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में, ये सभी चीज़ें। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, हम उसके बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था और टू ट्रांसफॉर्म द 100 सिटीज़, राइट। और
स्मार्ट सिटी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कोई भी सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाएगा, तो अगर वो सिटी के अंदर पांच मेन प्रिंसिपल के ऊपर वो काम हो रहा है, कौन कौन से मेन प्रिंसिपल? स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नेंस एंड स्मार्ट पॉपुलेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी। कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर कोई भी सिटी के अंदर ये छह प्रिंसिपल के ऊपर काम हो रहा है, ये छह प्रिंसिपल सिटी के अंदर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो मतलब वो सिटी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट पॉपुलेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी, राइट? यस, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में के कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉकवेज, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, साइकिलिंग ट्रैक्स, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और उसका असेसमेंट, ये सभी भी इंक्लूड किया जाएगा, किया गया है, राइट? एंड उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी की, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करें कि टोटल 140 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अभी तक उसके अंडर में अप्रूव किया गया है। 340 स्मार्ट रोड अभी तक बनाए गए हैं, 78 वाइब्रेंट पब्लिक प्लेसेस बनाए गए हैं, 118 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं एंड ओवर 63 सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, राइट? और ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप एक सिटी के अंदर इम्प्लाई करो तब एक सिटी स्मार्ट सिटी बनता है, राइट? तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा। और ये पूरी स्कीम जो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी, वो अभी कब तक एक्सटेंड की गई है? 2023 तक उसको एक्सटेंड की गई है, राइट? ओके, तो आपको आई थिंक पता चला होगा इंटीग्रेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, कौन से मिशन के अंदर में काम कर रहा है, ओके, उसका मेन मोटिव क्या है, राइट? और स्मार्ट सिटी के अंदर में एक्चुअली कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? ओके, तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? तो अभी रिसेंटली एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, एक ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ड्राफ्ट है मतलब अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, राइट? लेकिन ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए हम बहुत ही ज़ोर से काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो परचेस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में भी बहुत टाइम लगेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल टू हमारी जो पॉपुलेशन है वो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तब तक क्यों ना हम स्वैपिंग स्टेशन बनाएं, राइट? ये स्वैपिंग स्टेशन क्या होगे? स्वैपिंग स्टेशन ऐसे स्टेशन होगे कि अगर आपकी, फॉर एग्जांपल, एक स्वैपिंग स्टेशन है, राइट, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट, और उसकी बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गई, तो आप कहाँ पे जाओगे? स्वैपिंग स्टेशन के पास, उसके जो यहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे होगे उसके पास जाओगे। ये पर्सन क्या करेगा कि उसके पास जो चार्ज बैटरी है ना, उसके पास जो चार्ज बैटरी है वो आपको दे देगा, वो आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लगा देना, और जो आप अपनी जो डिस्चार्ज बैटरी है वो इस पर्सन को दे देना। तो इस पर्सन के पास जो स्वैपिंग स्टेशन रन कर रहा है, उसके पास पूरे दिन के अंदर जितनी भी डिस्चार्ज बैटरी आ जाएगी ना, वो डिस्चार्ज बैटरी वो एक साथ लेके कहाँ पे चला जाएगा? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जो जिस तरीके से अभी जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स के लिए पेट्रोल पंप होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राइट? चार्जिंग इंफ्रा होगा ना, वहाँ पे वो सभी डिस्चार्ज बैटरी को एक साथ लेके चला जाएगा। मतलब एज ए कंज्यूमर आपको वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वैपिंग स्टेशन वाला ही चला जाएगा। वो जस्ट आपको आपकी डिस्चार्ज बैटरी के रिप्लेसमेंट में आपको वो चार्ज वाली बैटरी दे देगा, उसको ही बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग, राइट? तो गवर्नमेंट अभी ऐसे स्वैपिंग स्टेशन बना रही है, मैक्सिमम स्वैपिंग स्टेशन बना रही है कि कंज्यूमर्स को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाना न पड़े, तब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, राइट? ओके, तो इसके लिए अभी उसको किस तरीके से बनाना है स्वैपिंग स्टेशन वगैरह, उसके लिए पॉलिसी, एक ड्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। और ये पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीकेबल होगी? कि जो भी सिटीज़ के जहाँ पे पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, और ये पॉलिसी टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए ही इम्प्लीकेबल होगी, फोर व्हीलर्स और ई बसेस के लिए इम्प्लीकेबल नहीं होगी।
फोर व्हीलर्स और ई बसेस के लिए इम्प्लीकेबल नहीं होगी। तो एक किसके लिए इम्प्लीकेबल होगी, किसके लिए इम्प्लीकेबल नहीं होगी, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, दूसरी बात करें कि ये पॉलिसी के अंदर में और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पॉलिसी के अंदर में लिखा है कि ये जो स्वैपिंग पॉलिसी है, स्वैपिंग फैसिलिटी है, उसको बैटरी एज अ सर्विस बास बिजनेस की तरह लिया जाएगा। उसके अंदर मिनिमम टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ऐसे कुछ बैटरी स्वैपिंग करने के टाइम इतने कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर वहाँ पे जाए नहीं, कि हमको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, कौन जाएगा यहाँ पे, उससे अच्छा है हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाके हम चार्ज कर ले, राइट। तो ये मिनिमम टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़े, ऐसा होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा किसको, बैटरी प्रोवाइडर्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स को। और जो टैक्सीज जो लग रहे हैं जीएसटी वगैरह, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर जो 18% लग रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई के ऊपर 5% लग रहा है, उसको कम करने की बात यहाँ पे पॉलिसी के अंदर में की गई है। और जो भी बैटरी वो स्वैपिंग के अंदर में आएगी, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसको ट्रैक किया जाए वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कितनी बार यूज़ हुआ, कितनी बार चार्ज हुआ, कितनी बार डिस्चार्ज हुआ, वगैरह वगैरह। और ये पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसको दिया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज़ अ सेंट्रल नोडल एजेंसी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोल आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो रिस्पॉन्सिबल है बैटरी स्वैपिंग के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे इंडिया के अंदर, राइट। ओके, ये पॉलिसी की नीड क्यों है, ये पॉलिसी की नीड है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंकरेजमेंट मिले, राइट। क्योंकि अभी देखो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हो गए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी लाइन लग जाएगी। सीएनजी में पहले कैसा होता था वैसे ही यहाँ पे माहौल हो जाएगा, तो लोग डिस्करेज हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करने में, राइट। तो उसके लिए एक मेन नीड है, राइट। ओके, एंड दूसरी बात कि अगर जितना जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम आएंगे उतना जल्दी हम डीकार्बोनाइज करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, तो ये भी हमारा एक मेन मोटिव है, क्योंकि हमने एक टारगेट लिया है कि 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करना है, राइट। ओके, एक और उसके अलावा इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को लिवरेज कर रही है, तो एक है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम जो 2015 के अंदर में लॉन्च की गई थी, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी है उसको एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी जो कंपनी इसको प्रोड्यूस करेगा उसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलेगा। तो ये स्कीम और ये फेम स्कीम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को इंकरेज कर रही है इंडिया के द्वारा जो लॉन्च की गई है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरी न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी एक रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बीआरओ के द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल मतलब सबसे ऊंचाई के ऊपर एक टनल बनाया गया, कहाँ पर, शिंकुला पास के अंदर। और वो कितनी ऊँचाई के ऊपर बनाया गया है, 16,580 फीट की ऊँचाई के ऊपर बनाया गया है। और एक टनल हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को कनेक्ट करेगा, किसको, हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को कनेक्ट करेगा। और ये टनल कौन से मिशन के अंदर में बनाया जा रहा है, मिशन योजक के अंदर में बनाया जा रहा है। और ये टनल कब तक बनेगा, 2025 के अंदर तक बनेगा, राइट। तो आपको इतनी चीज़ें इस सिंगल पेज के ऊपर से याद रखनी है कि अभी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल जो सिंकुला पास जो कनेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, वो कौन बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है मिशन योजना के अंडर में। और ये 2025 तक ये टनल कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और उसके अलावा हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इज अ रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू एंड इज नाउ अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स के जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, राइट, वो कौन कनेक्ट करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा कि 19 स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं वो वहाँ पे भी ये बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है रोड का, राइट। उसके अलावा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान एंड श्रीलंका के अंदर भी उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट। बॉर्डर बीआरओ ने अभी तक टोटल 50,000 किलोमीटर्स के रोड कंस्ट्रक्ट कर दी है। उसके अलावा 450 परमानेंट ब्रिजेस भी उसने बनाए हैं, टोटल 19 एयरफील्ड्स भी उसने बनाए हैं अभी तक बीआरओ के द्वारा। और उसके अलावा बीआरओ के द्वारा कुछ रिकॉर्ड भी अभी तक क्रिएट किए गए हैं कि आपने नाम सुना होगा उमलिंगला पास, जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड रोड है ये इंडिया के अंदर,
और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो किसके द्वारा बनाया गया है, बियरों के द्वारा, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में अभी नाम है हाईएस्ट अल्टीट्यूड की, जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर एक रोड उमलिंगला वो किसने बनाया है, बियरो के द्वारा, राइट। उसके अलावा अटल टनल, अटल सेतु, कोल चिवांग रीजन सेतु, ये सभी चीज़ बियरो के द्वारा बनाई गई है, जो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। बियरो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके लिए रिसेंट न्यूज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है और एग्जाम के अंदर भी उसके एक आध दो क्वेश्चंस होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, राइट। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली KVIC ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए टू क्रिएट द हाईएस्ट एवर इम्प्लॉयमेंट अंडर द प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ओके, अभी कैसे इम्प्लॉयमेंट उसने ज़्यादा बढ़ाया, टोटल 1 लाख से भी ज़्यादा नए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट्स को उसने अप्रूवमेंट दिया और उसके अंडर में वो 1 लाख यूनिट्स के अंदर में 8.25 लाख जॉब्स, लोगों को जॉब मिली, राइट। अभी ये सब कैसे हुआ प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर में, वो हम देखते हैं। प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है उसको कोई छोटा मोटा काम शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल उसको मोबाइल सर्विस सेंटर खोलना है, क्या खोलना है, मोबाइल सर्विस सेंटर, राइट। अभी ये सर्विस सेंटर खोलना है तो इसका प्रोजेक्ट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है ये इस स्कीम के अंडर में कि इसका प्रोजेक्ट ये मिनिमम 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, कितना 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट, मतलब मोबाइल सर्विस सेंटर जो पर्सन खोलना चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। ओके, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहता तो उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। लेकिन ये सर्विस सेंटर है तो 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहता है तो 10 लाख से ज़्यादा उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी ये स्कीम के अंदर में वो अप्लाई कर सकता है, राइट। चलो, अभी ये मोबाइल सर्विस सेंटर बनाना चाहता है, राइट, और उसका इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो अभी कहाँ पर जाएगा, डेवलपमेंट इंडस्ट्री कमीशन के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसको एक लोन की रिक्वायरमेंट है कि उसको एक बिजनेस खड़ा करना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो डायरेक्टली भी बैंक के पास जा सकता है लेकिन वो ये स्कीम के अंडर में जाएगा, क्यों वो भी आपको बाद में पता चलेगा। कि वो DAC के पास गया, DAC पूछेगा, एक संस्था का नाम है डेवलपमेंट इंडस्ट्री कमीशन, कि आप ये मोबाइल सर्विस सेंटर ओपन करना तो चाहते हो लेकिन क्या आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, आपके पास उसके ट्रेनिंग वगैरह कुछ, आपने उसके ऊपर काम किया है, वो बोलेगा नहीं। तो DAC एक संस्था को रिकमेंड करेगा कि भाई इस पर्सन को ट्रेनिंग दो और इसको ये मोबाइल सर्विस सेंटर खोलना है, तो वो संस्था ये पर्सन को ट्रेनिंग देगी, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगा, फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके ये पर्सन वापस DIC के पास आएगा, फिर DIC उसकी एप्लीकेशन बैंक को ट्रांसफ़र कर देगी जो बैंक के अंदर से वो लोन लेना चाहता है, जो बैंक के अंदर से वो लोन लेना चाहता है, तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देगी जितनी उसको, जो उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से, उसके पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से उसको जितना भी लोन सेंक्शन होता होगा बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देगी, राइट, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। ओके, तो उसमें पर्सन को इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल उसको 20 लाख की लोन चाहिए, 20 लाख की लोन चाहिए, राइट। ओके, 20 लाख की लोन बैंक ने अप्रूव कर दी, ओके, तो अगर उसने इस स्कीम के थ्रू अप्लाई किया है ना लोन के लिए, तो अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 15% सब्सिडी मिलेगी, मतलब 20 लाख के ऊपर 15% उतना कम हो जाएगा उसका प्रिंसिपल लोन को, मतलब उसको मिलेगा 20 लाख बैंक की तरफ से लेकिन उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा 20 का 15% कम, मतलब 20 का 85% कितना होगा, 17 लाख, राइट, 17 लाख का ही उसको लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो, अगर वो OBC कैटेगरी या अदर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी। 25% सब्सिडी कौन देगा, ये 15% सब्सिडी, 25% सब्सिडी कौन देता है, KVIC। तो KVIC ने ये प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये स्कीम की मदद से टोटल 1 लाख नए यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग यूनिट्स को यहाँ पे अप्रूवमेंट दिया, उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड किया और बैंक के पास से लोन दिलवाई, उनको ट्रेनिंग दिलवाई,
और उसकी वजह से 8.25 लाख लोगों को जॉब मिली, ये सबसे बड़ा अभी तक का रिकॉर्ड है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एक्चुअली गवर्नमेंट की। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आपको मैक्सिमम कितना असिस्टेंस मिल सकता है KVSC के द्वारा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 25 लाख का, और अगर आपका सर्विस यूनिट है आपको 10 लाख का मैक्सिमम असिस्टेंस मिल सकता है, राइट। और ये MSMEs के लिए, जो इंडिया की मतलब एक 40% कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर GDP के अंदर, तो उनको डेवलप करने का एक प्लान है गवर्नमेंट का, तो उसी के अंदर में KVSC ने अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा। आई थिंक आपको ये न्यूज़ स्कीम के बारे में, ये न्यूज़ के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। हमारी लास्ट न्यूज़ है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला एक जॉब गिविंग, जॉब प्रोवाइडिंग एक इवेंट था जो स्किल इंडिया ने और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेनिंग, ये दोनों संस्था ने पार्टनरशिप करके इसको ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। और ये मेला टोटल 700 लोकेशन के ऊपर एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया था इन दोनों संस्था के द्वारा, और उसके अंदर टोटल 4000 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेशन किया था फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों को ऑन जॉब पे रखने के लिए। और उसके अंदर में टोटल 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एज अ अप्रेंटाइज अपॉइंट किया गया ये 4000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और कौन कौन लोग एलिजिबल थे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि अगर जिसने क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक का एजुकेशन लिया है, अगर किसी ने स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कोई भी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसके पास है, ITI स्टूडेंट्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, और ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे जाके अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे, राइट। टोटल 1 लाख से भी ज़्यादा अप्रेंटिस को यहाँ पे जॉब मिली, और 4000 ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पे पार्टनरशिप किया था, राइट। तो ये नेशनल अप्रेंटिसशिप मिला वो कितने लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कितने ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, राइट, और कौन कौन एलिजिबल है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड उसके द्वारा जो भी अप्रेंटिसशिप करेगा इस मेला के अंदर, जिसको जॉब मिला, तो वो उसको सर्टिफिकेट कौन सी संस्था देगी, नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये संस्था के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो फर्दर उनके आगे के करियर के लिए काम में आएगा, राइट। तो आई थिंक आपको आज की न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा, और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय बाय।